आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न वाली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पांचवा क्वेश्चन। इसमें आपको शून्यांक ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें हमें टी का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है टी का मान। इसके लिए आपको करना पड़ेगा टी स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है, इसका कर देंगे पक्षांतरण, यानी माइनस के 15 है तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर प्लस के 15। हम यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। आगे उतारेंगे टी स्क्वायर बराबर कितना है, हम यहाँ कर देंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे टी बराबर 15 और इस वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, हम यहाँ कर देंगे, वो प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है। इस प्रकार हमें टी का मान प्राप्त हो गया, एक तो प्लस का अंडर रूट के 15, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा टी बराबर माइनस अंडर रूट के 15। इस प्रकार आपके दो शून्यंक आ गए, एक तो प्लस के अंडर रूट के 15, एक माइनस के रूट 15, ठीक है। इसमें आपको देखना है घात 2 3, तो उत्तर भी कितने हैं, 1 और 2। अब आपको जांच करनी है। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जांच करनी है। आपको पता है जांच कैसे करते हैं, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यंकों का योग, जैसे शून्यंकों का योग किसके बराबर होता है वो भी लिखना है, जैसे माइनस अक्स का गुणांक, लिखो यहाँ पर माइनस अक्स का गुणांक, इसके बट्टे में आ जाएगा अक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इसका अर्थ हो गया जो इसका मान आएगा वो इस मान के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। हम चेक करते हैं, जैसे यानी शून्यंकों का योग, आपके पास शून्यंक कौन कौन से आए थे, 2 अंडर रूट के 15 प्लस के, 1 माइनस के अंडर रूट के 15, इन दोनों को उतारो पहले, यानी अंडर रूट के 15 प्लस के और दूसरा कौन सा, माइनस के अंडर रूट के 15, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे, ओके। अब करेंगे अंडर रूट के 15, अब यहाँ प्लस है अंदर माइनस है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा रूट के 15, ठीक है। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो हमेशा क्या आता है, 0 कट जाएगी आपस में। इसका मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब इसका मान कितना आना चाहिए आपके पास में, 0। अगर 0 नहीं आता है तो आपने गलती कर दी, ठीक है। इसको करेंगे आगे माइनस अक्स का गुणांक कितना है, इसमें अक्स का गुणांक की बात हो रही है, टी स्क्वायर का मान कितना है, इसमें टी स्क्वायर कितनी बार है, 1 बार है, तो इसका मान कितना हो गया, 1 है ना। अब इसमें टी का मान तो कुछ है ही नहीं, तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। और अचर पद कितना है, अचर पद का मतलब होता है कोई संख्या, इसमें संख्या कितनी है, माइनस के 15, ठीक है। अभी इनको काम में लेंगे हम, अब इसमें फिट करेंगे, आगे उतारेंगे माइनस अक्स का गुणांक लिखेंगे, और इसमें अक्स का गुणांक कुछ नहीं दे रखा है तो हम टी का मान 0 मान लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, इसके बट्टे में आ जाएगा अक्स स्क्वायर का गुणांक, और अक्स स्क्वायर का मतलब हम यहाँ लेंगे टी स्क्वायर से, और इसका मान कितना हमारे पास में, 1 है, इसको इससे गुणा किया तो 0 आता है, इसके बट्टे में 1, इसका भाग इसमें दिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0, अतः इसका मान और इसका मान बराबर होता है। अब इसके बाद करते हैं शून्यंकों का गुणा, हम यहाँ लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल या गुणा, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा अचरपद बटे, हम यहाँ लिखेंगे अचरपद बटे अक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। चलो इसमें करते हैं पहले शून्यंकों का गुणा, जो आपके पास उत्तर आए थे उनका गुणा करना है। जैसे एक संख्या अंडर रूट के 15 प्लस की और दूसरी माइनस के अंडर रूट के 15, एक संख्या प्लस की अंडर रूट के 15 और दूसरी कौन सी, माइनस के रूट 15, ठीक है। इसको इससे आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के 225, कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट के 225। अब इसका निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 15, ठीक है, यानी माइनस के 15 आंसर आ गया इसका। अब इसमें फिट करते हैं, जैसे अचरपद का मान कितना है, अचरपद का मान क्वेश्चन में दे रखा है माइनस के 15 और मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है माइनस के 15, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ माइनस के 15। अब इसके बटे में आ जाएगा अक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मान कितना है, अक्स स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है, तो हम यहाँ कर देंगे 1, ठीक है। अब भाग देंगे 1 का माइनस 15 में, तो माइनस 15 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार इसका मान दोनों बराबर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व होता है।